रिक्रिएशन पर आपका स्वागत है। आज हम कद्दू का हलवा बनाएंगे, जो स्वाद के साथ साथ विटामिन ए, पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे न्यूट्रिएंट से भी भरपूर है। आइए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 1/2 kg हरा कद्दू लिया है। इसे मैंने छीलकर और सीड्स निकालकर ग्रेट कर लिया है। अब एक पैन में 2 tablespoons घी लेंगे। अब इसमें ग्रेट किया हुआ कद्दू डालकर इसे अच्छे से चलाएंगे। कद्दू पकने पर काफी वाटर रिलीज करता है, इसलिए इसमें दूध डालने की जरूरत नहीं है। अब इसे 5 to 7 minutes के लिए लो फ्लेम पर ढककर पकने देंगे। इसे ओकेशनली स्टर करते रहेंगे। कद्दू को काशीफल भी कहते हैं। सभी मांगलिक कार्यों में काशीफल को बनाना शुभ माना जाता है। कद्दू के हलवे को व्रत में फलाहार के रूप में भी हम ले सकते हैं। कद्दू के पक जाने पर इसमें हम 150 ग्राम मावा ऐड करेंगे। सभी इंग्रेडिएंट्स मेजरमेंट के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप वहां से नोट कर सकते हैं। अब इसमें 150 ग्राम शुगर डालकर मिक्स करेंगे। हाफ टीस्पून इलायची पाउडर डालेंगे। इसके साथ ही मैं इसमें 1 चुटकी दालचीनी पाउडर और 1 चुटकी जायफल पाउडर ऐड कर रही हूँ, जो इसकी खुशबू और टेस्ट दोनों को एनहेंस करता है। ये ऑप्शनल है, आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। अब मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स के साथ दूध में भिगोया हुआ केसर भी डाल रही हूँ। चीनी का पानी पूरी तरह से रिड्यूस हो जाने पर इसे हम एक बाउल में निकाल देंगे। अब इसे ड्राई फ्रूट्स के साथ गार्निश करके सर्व करेंगे। अगर मेरी यह रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें, और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें।